ये देखिए ये व्यू, वाह। और मौसम भी इतना ठंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? और अभी बज रहे सुबह के फिलहाल 10:15 और हम ला रुके यहाँ पे इडली खाने के लिए। ये 10:30 हो गए तो अब हम ला रुके यहाँ पे इडली खाने के लिए। अब यहाँ से निकल रहे हम लोग इब्राहिम के पास जाने के लिए। वहाँ से एक छोटी सी रोड ट्रिप है आप लोगों को, वहाँ पे कंटिन्यूशन में मिलता हूँ आप लोगों को। चलिए तो गाइस फाइनली इस्कने पहुँच गए, इब्राहिम कहने घर पे पहुंच के अब उसके साथ निकल रहे वापस बाहर हम लोग। वसीम क्या मांग, अब क्या डर रहा था कल के ब्लॉग में देखे आप लोग, कल के ब्लॉग में देखे होंगे वसीम कितना ज्यादा डर रहा था पानी से। तो इन्हों 10,000 ट्रिप्स पूरे, हम ही बैठो थोड़ी देर, इन्हों 10,000 पूरे ट्रिप्स कैंसिल करके करा के आज माने इन, अब्बा नहीं मानेंगे, हम भी मान रहे हैं। हाँ, बदनाम कर करके चलो बहुत लॉन्ग हो गया आप। चलो इन्हों रूस भी गए थोड़ी देर के अंदर। तो हमारे साथ यहाँ पे है ये मेरा प्लान भाई, मेरा प्लान है ये कोटापल्ली का, मेरा प्लान है। हाँ तो ये अक्रम है और वो पठान है। इग्नोर रेहान को भूल गया, रेहान को पहले दिखाया हमें। तो हम लोग निकल रहे हैं अब कोटापल्ली रिजर्वायर को बोटिंग के लिए और आप लोगों को मिलेंगे आगे। ये देखिए व्यू गाइस, स्टार्ट कर दिए यहाँ से। रुके आए खाना कुछ सामान ले लेने के लिए यहाँ पर। ये देखिए फिलहाल यहाँ पे, तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे रस्ते में आए तो रुके यहाँ पे। ये देखिए पूरा मुंह खोल, ठोसो ठोसो, अरे नक्कले। हाँ अच्छा, ऑफ रोडिंग कर रहे हम लोग। ये अनंतगिरी व्यू नहीं है, कहाँ है पानी आगे, और आ गए अनंतगिरी व्यू पॉइंट को। यो चलो कोटापल्ली रिजर्वायर को जाने के लिए रास्ते में ये अनंतगिरी व्यू पॉइंट को आ गए। ये लगभग हैदराबाद से 90 किलोमीटर दूर है और व्यू तो वाह, ये पूरा पहाड़ के ऊपर है, दिखाता मैं आप लोगों को। ज्ञान दिखते जा रहा दिन बे दिन। तो हम लोग का ये तीसरा स्टॉप है जो वापस आए जूस पीने के लिए। तो यहाँ पर जूस पीने के लिए आए भाई, कौन से है? हरी नींबू पानी, नींबू लस्सी, नींबू पानी, नींबू पानी दियो भाई। तुम लोगों क्या हो ना, एक लस्सी दो, बाकी के चार नींबू। लस्सी वस्सी पी ले करके अब बोलना वापस निकले। लस्सी वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छी थी लस्सी। फिर निकल रहे 3-4 किलोमीटर ही थे यहाँ से रिजर्वायर जाने के लिए, तो आप लोग को वहाँ पर पहुँच के मिलते हैं। एंट्री के लिए 30 रुपीज फीस है इसकी। फाइनली रीच हो गए हम लोग यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे धागल भी है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे रीच हो गए। ओह, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद, और ये पानी आधा सारा सूखा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा। तो यहाँ पे पहुंचे पहुंचे तक 3 बज गए हम लोग को, 2:35 हो रहे बेसिकली, 2:40। तो ये पूरा बहुत
थकी हालत हो रही, कुछ करने को तो है नहीं, है बोटिंग करना है, थोड़ी देर से बोटिंग करते फॉर। तो हम लोग ये मैगी पॉइंट पे आके मैगी खा रहे हैं। हम लोग आए यहाँ पे ऐसा फिर रहे जब से मैगी खाए, गन्ने का जूस पिए, और मतलब धूप तो काफी तेज है, ये मौसम नहीं है आने का। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे बोट बुक कर लिए, ना इब्राहिम चढ़ सक रहा, ना पठान चढ़ सक रहा, ना कोई और, सिर्फ मैं अकरम, हम दोनों जा रहे हैं। जैकेट से ले लिया, झाड़ू मारने वाला दिख रहा उसमें, ये ना को ऑरेंज ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे येलो, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे, स्टार्ट कर रहे, ये देखिए। तो हम लोग अब बहरहाल निकल गए वहां से, और यहाँ डर बहुत ज्यादा लग रहा मेरे को, पता नहीं पहली बार है ये मेरा। ये देखिए, एक सेकंड अकरम भाई, देखिए डंडा हिला देते, मौसम देखिए एकदम। ये देखिए ये व्यू, वाओ माशाल्लाह। और मौसम भी इतना ठंडा और इतना प्यारा हो गया है पानी के ऊपर। वो रेहान है वहां पर, रेहान चल आई। और अभी भी रेहान यार्ड के अंदर बैठा, वो काईगी के अंदर बैठा हुआ है, हम लगा वो मजा करके आया आखिरी। हाँ हालत खराब, हाथा वाला दर्द दे रहे। आप लोग भी आओ, दिन भर में बहुत धूप थी, थोड़ा शाम के टाइम पे आएंगे तो ज्यादा मजा कर सकते मेरे हिसाब से तो। मगर 200-300 रुपए जो भी देना था इसके लिए वर्थ इट था वो, और 100 किलोमीटर सिटी से यहाँ पे आना वो भी वर्थ इट था। जो वेदर और एटमोसफियर हो गया ना इसका लास्ट मोमेंट पे, उसमें तो बहुत मजा। ऑफिस आए और इतना प्यारा वेदर और मौसम हो रहा, और इतना मजा आया, वर्थ इट था यहाँ पे आके 200 रुपए देना वो। और ये मैं फिर से रीशूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो पहले वाला वीडियो का पूरा कैमरा ब्लर आया था, तो अब क्या 300 रुपए एक अलग एक बंदे के लिए, और नहीं 300 रुपए दो बंदों के लिए, और 200 रुपए एक बंदे के लिए, एक सिंगल रेहान अकेले गया, मैं अकरम ऐसा गए थे तीनों, आप तो देखे चुके वो सब चीज़ा। रेहान डरपुक है आप लोगों को मालूम है ना। तो अभी फिलहाल ये व्यू और ये नज़ारे के लिए वर्थ है आना यहाँ पे मेरे हिसाब से तो, इतनी दूर से दर तक आए 100 किलोमीटर, और बीच में जाने के बाद तो अलग सुकून था, अलग लेवल था। आज बाजू का व्यू आपको कैसा दिख रहा नहीं जाके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया, जान का धोखा था नहीं जाना। देखो भाई देखिए 80 किलो लिमिट है, 85 मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। जो जिंदगी से बोर हो गए ना, मेरे पैरों के जिंदगी से बोर हो गए ना, वो लोग आके करिए देखिए, जिसको जिंदगी प्यारी है हम यहाँ पे मत आइए, ओके। इसलिए ना दो दो चश्मे लगा लेके, पूरे जिंदगी से बोर बिल्कुल नहीं है ना भाई, सुकून में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए। रेहान गया और कौन है वो, अकरम मेरे साथ ही था, इसलिए हम लोग बोटिंग वगैरह काइकी कर लेके करा के निकल गए वापस वहां से। अब हम लोग जा रहे एक न्यू डेस्टिनेशन के लिए, एक और क्या एक और एक ट्रिप प्लान करे हम लोग। अब जो ऑल ऑफ द सडन प्लान हुई, और इन्होंने थोड़ा कूंका कर रहे थे, दिख रहे आपको ना, फिर उनको मनाना पड़ा, एक नाम लेके समझाना पड़ा, दोनों फाइनली समझ गए और मान गए। तो हम लोग अब जा रहे, तो आप लोग सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे आ सकते। नाम क्या है इसका रिजर्वायर का, कोट्टापल्ली रिजर्वायर विकाराबाद हैदराबाद से 98 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग निकल गए, विकाराबाद पहुँच चुके हैं, और सनरूफ से निकलने का मजा ही अलग है। All thanks to Ibrahim and this weather. Wow, weather is going very fantastic and fabulous. और पता नहीं मेरी इंग्लिश इतनी कहीं को बाहर निकल के आ रही। पहुंचे चिकन लेने के लिए रात के प्लान के लिए। अब इब्राहिम भाई हमारे खाना बनाने वाले हैं, तो उसके लिए चिकन लेने के लिए रुके। अब यहाँ से हम लोग फार्म हाउस को जाने वाले हैं रुकने, तो 315, ठीक है। फिलहाल निकल गए, पूरा सामान वो ले लिए नाइट में, मतलब पकाने करने का, चावल आटा,
सब चीज़ें ले लिए। अब मैं रोड पे हूँ, अब जा रहे चेवड़ला को जा रहे हम लगा फार्म हाउस को भी रीच हो गया। अब गाइस ये था मेरा आज कोट्टापल्ली का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं यहाँ पे जो फार्म हाउस को आया इसका व्लॉग मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, तो आप लोग ये व्लॉग भी देखिए कैसा लगा।